आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसका इलाज हमने टेलीपैथी के माध्यम से किया था। ये केस है मध्य प्रदेश के किसी ग्रामीण इलाके का था और इस केस की खास बात ये थी कि ये जिस आदमी का ये बैल है उसकी जो भाषा है वो हमको भी नहीं समझ में आ रही थी। वो एक्चुअली में क्या बोल रहा है और मेरी भाषा उसको भी नहीं समझ में आ रही थी। एक्चुअली में ये केस हमारे पास जो आया था उस पशुपालक के घर में एक कोई लड़की थी जो YouTube पे हमारे वीडियो देखी थी। चूँकि YouTube पे हमारा नंबर भी शो होता है तो उस नंबर को डायल करके उसने अपनी सारी समस्या बताई। फिर जब उसने समस्या बताया तो मैंने उससे कहा कि आप एक बार जो उसको खिलाता है पिलाता है जो पशुपालक है उससे मेरी बात करा दीजिए। जब उसने पशुपालक से बात कराई तो उसकी बात हमको तो एकदम नहीं समझ में आ रही थी। चूँकि उस लड़की से जब मैंने बात किया तो पूछा आप कहाँ से है, तो बताया उसने मध्य प्रदेश का मैं रहने वाली हूँ और मध्य प्रदेश का किसी गांव का नाम बताया था, गांव का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। फिर मैंने जब उसकी बात हमको नहीं समझ में आ रही थी तो सारी की सारी कन्वर्सेशन हमने उसी लड़की से किया और लड़की ने बताया कि ये जो इसका बैल है पिछले 2 महीने से ये काम पे नहीं जा पा रहा है और इनके घर के जो आय का स्रोत है ये बोझा ढोने का काम करते हैं बैलगाड़ी से और उसी से जो आमदनी होती थी उसी से उनके घर का जीविकोपार्जन चलता था। अब पिछले 2 महीने से इसकी तबीयत खराब है, इसलिए अपने पैर पे बल नहीं ले पा रहा है, अपने पैर में दर्द बहुत महसूस कर रहा है। जैसे इसको ले करके चलते जैसा कि वीडियो में भी आप देख रहे होंगे ये लंगड़ा के चल रहा है। तो आसपास के जितने भी प्रैक्टिशनर थे जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने इसको दिखा करके इसका इलाज कराया। लेकिन इलाज करने के बाद जो उस लड़की ने बताया कि एक दिन इसको आराम हो जाता है लेकिन उसके दूसरे दिन फिर जैसी स्थिति रहती है उसी तरीके से हो जाती है, ये सही से कवर नहीं हो पा रहा था। इस केस में उस लड़की के माध्यम से उसके पूरे पैर को हमने प्रॉपरली एग्जामिन करवाया लेकिन उसमें किसी भी तरीके के कोई चोट या कोई इस तरीके के ट्रॉमा हो या उसके हुक में कोई प्रॉब्लम हो इस तरीके से नहीं समझ में आई। फिर मैंने उससे कहा कि आप बारीकी इसका जो हुप है इसके ऊपर का पोर्शन आप देखिए उसमें हल्की सी कहीं स्वेलिंग तो नहीं नज़र आ रही है। फिर उसने बताया कि नहीं, हल्की सी स्वेलिंग महसूस हो रही है। इसके बाद मैंने उस लड़की से पूछा कि जो आपके यहाँ इलाज करने के लिए आते थे वो आपको क्या बताते थे कि इसको क्या समस्या है। तब उस लड़की ने बताया कि सभी के सभी लोग यही बताते थे इसकी नस चढ़ गई है, उसकी खून की सप्लाई बंद हो गई है जिसकी वजह से इसको दर्द हो रहा है और इसको चलने में समस्या हो रही है। इसके साथ साथ उस लड़की ने एक और बात बताया कि सभी लोग यही कहते थे कि इसको सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा चलाइएगा ताकि इसके पैर की जो खून की सप्लाई हो ज़्यादा मात्रा में हो और ताकि वो एनिमल जल्दी से रिकवर हो जाए। तो उसकी सारी बात को सुन करके जो मैं अपना अनुमान लगाया, जो मेरा अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस था वो ये था कि उसका जो प्रॉक्सिमल फैलेंस है उसका कहीं ना कहीं हेयरलाइन फ्रैक्चर है और उस हेयरलाइन फ्रैक्चर्स की वजह से वो एनिमल्स जो है वो इतना दर्द ले रहा है और वो चलने में असमर्थ है। सामान्य तौर पर आप देखते हैं कोई भी फ्रैक्चर होता है उसको 2 महीना में तो लगभग कवर हो जाता है, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि जब किसी भी छोटी बोन में हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है और अगर उस एनिमल्स को आप रेस्ट पे नहीं रखोगे तो उसकी हीलिंग नहीं होती है। इस केस में यही प्रॉब्लम थी कि जितने लोग प्रैक्टिस करने वाले थे जो इसका इलाज किए थे वो लोग ट्रीटमेंट तो करते थे, पेन किलर देते थे और जो भी मल्टीविटामिन्स देते थे सब कुछ देते थे, लेकिन चूंकि इस एनिमल्स को रेस्ट पे नहीं रखते थे जिसकी वजह से इसकी हीलिंग नहीं हो पा रही थी। जब हमने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस से बना लिया कि इसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर्स है इसके प्रॉक्सिमल फैलेंग्स में, तो उसी को टारगेट करके हमने इसका ट्रीटमेंट सेटल किया। इसमें हमने 4 दिन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एक मल्टीविटामिन्स का इंजेक्शन लगातार लगवाया। इसके बाद हमने कैल्शियम का इसको भरपूर लगभग 3 महीने तक कंटिन्यूस किया और 1 महीने तक इस एनिमल्स को मैंने बता दिया कि आप इससे काम मत लीजिएगा और इसको मूवमेंट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करवा दिया।
इलाज के एक हफ्ते के बाद से उस बैल को बहुत ज़्यादा आराम होने लगा। उसने फ़ोन करके बताया कि अब जो है उसका जो लंगड़ा रहा था चलने पे वो एकदम से लगभग ख़त्म हो गया है। लेकिन मैंने उसको कहा कि आप इससे जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप इसको रेस्ट पे रखिएगा और जितना मैंने बताया है कि आप उसको कैल्शियम देना है वो आप ज़रूर देते रहिएगा। ये एनिमल्स 1.5 महीना तक उस ओनर ने इसको कैल्शियम दिया और देने के बाद अब आप देख रहे हैं कि वो बैल से काम लिया जा रहा है। इस तरीके से जब कोई भी ऐसा सुदूर इलाका जिसके बारे में हमको नहीं पता होता है वहाँ से पशुपालक फ़ोन करता है और अपनी समस्या को बताता है और जब हम उसकी समस्या का निदान करने में सफल हो जाते हैं तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। इसी के साथ हमारे जितने व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके घर पे पशु से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमसे शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। इतनी देर तक हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।